So I welcome you all in this video lecture. Today I am going to continue a very lengthy chapter from the book Flamingo. आपकी बुक है फ्लैमिंगो, उसमें पांचवा चैप्टर है जिसका नाम है इंडिगो, जिसकी समरी ऑलरेडी आपको मिल गई है. और बड़े दुख की बात यह है कि उस समरी को देखने वाले कोई नहीं था. भाई एक बात कहने वाली जरूर है कि आपने यूट्यूब पर बहुत से चैनल देखे और उसमें सबसे ज़्यादा खास तौर से इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आपको पूरे पूरे चैप्टर आपको एक वीडियो में चाहिए. हम भी आपको पूरे पूरे चैप्टर एक वीडियो में ला सकते थे, लेकिन हमने यूपी बोर्ड के बच्चों की समस्याओं को समझते हुए ये सोचा कि उनको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन बताया जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि यूपी बोर्ड का बच्चा खास तौर से हिंदी समझना चाहता है, इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है. लेकिन हमने बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल को देखने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि बच्चे लिटरेचर को मतलब अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ा दें तो भी उसमें दिक्कत है. और एक चैप्टर के ऊपर चार सेशन, जरा आप सोचिए कि चार बार शेड्यूलिंग करनी पड़ती है कि चैप्टर को कहां से पढ़ाना है, कहां तक और कितने आराम से पढ़ाया जा रहा है. और इवन बिफोर द एग्जामिनेशन आपका लिटरेचर खत्म हो चुका होगा, शायद एक महीने के अंदर आपका लिटरेचर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा अगले आने वाले 15 से 20 दिन में. तो अब आप सोच सकते हैं कि पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करते हुए जय महादेव विद्याकुल ने आपको प्रोवाइड किया, फिर भी उसका ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हमारी पूरी टीम को कि उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है. अब ये क्या है क्या नहीं वो तो आप जाने, लेकिन फिर भी अफसोस ये है कि बच्चों किसी भी तरह से पढ़ना नहीं चाहते. आपकी समस्या को समझते हुए मुकेश सर की तरफ से कहा गया कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन, बच्चों को एक एक लाइन का ट्रांसलेशन बताया जाए, लेकिन बच्चा उस पर भी राजी नहीं है. पहली वीडियो पे मान लेते हैं 1000 व्यूज होते हैं तो सेकेंड पार्ट पर उसी के 500 होते हैं और तीसरे पे 150 और 200 होते हैं. इसका ये मतलब है, मतलब बच्चे सोचते हैं अरे ठीक है तो रोज आता है. तो जिस तरह से ग्रामर की मेरी 2 दिन की वीडियो आई है ना, उसी तरह से ये 2 दिन की जो लिटरेचर वीडियो ये वो खत्म हो जाएगा किसी दिन. और फिर आपका भी एग्जाम 4 महीने बाद है. अब आप सोच सकते हो उस टाइम पर कितनी जरूरत होती आपको लाइन बाय लाइन न मिल करके जल्दी जल्दी में सिर्फ समरी ले आए तो भी बता दो बेटा, कमेंट करके बता देना कि समरी ही चाहिए, उससे हम पूरा चैप्टर समझ लेंगे सर, हम लोग इतने काबिल हो चुके हैं, हम लोग इतने काबिल हैं. ठीक है, अब जरा देख लीजिए ये हाल है जी. टाइम टेकन हो गया बेटा फिर से, शायद ये फिर से 25 या 30 मिनट की वीडियो बन पाएगी. Give me 1 or 2 मिनट. आज हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहे हैं और ये कम से कम 4 दिन ये चैप्टर आपको मिलेगा. एक दिन तो मिल चुका, वो तो समरी थी. जो काबिल बच्चे हैं वो समरी पढ़ के समझ लें. हम तो इसलिए लाते हैं समरी कि बच्चों का ओवरव्यू समझ में आ जाए, स्टोरी को समझेंगे तो इंटरेस्ट लेंगे चैप्टर को समझने में. लेकिन बड़े अफसोस की बात है भाई. चलो लग रहा है स्टार्ट हो जाए भाई, स्टार्ट हो जाए तो अच्छी बात है. हो गया आगे कर लेना बेटा, कम से कम 1-2 मिनट आगे कर लीजिएगा वीडियो को, तब देखिएगा, नहीं तो बोर हो जाओगे. इस 2 मिनट 3 मिनट लग गए पूरे बोर्ड को स्टार्ट होने में. सिर्फ एक सेक्शन से आप पास नहीं हो सकते और आपको बिना लिटरेचर की ग्रामर भी नहीं समझ में आएगी, ये बात हम आपको बता दें. तो इसलिए इस बात को ध्यान दें कि आप कर क्या रहे हैं. चल जा भाई, काहे के लिए.
चैप्टर एक्सप्लेनेशन की तरफ बात करेंगे। चलिए, ये हो गया आपको समझाना, मेरा काम था समझाना, बाकी आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफी है। चलो भाई स्टार्ट करेंगे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अपनी बुक को खोल के रखना, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ठीक, चलो देखते। व्हेन आई फर्स्ट मेट और विजिटेड गांधी जी, ये व्हेन आई जो कह रहा है ना, ये कौन है बेटा, ये जिसने नरेट किया है वो कह रहा है कि जब मैं गांधी जी से मिला। कौन? जो नरेटर है स्टोरी का, वही जो राइटर है ना। कौन भाई? कल की वीडियो में लुईस फिशर का नाम सुना सबने। तो लुईस फिशर कहते हैं कि मैं गांधी जी से 1942 में आश्रम में उनको मिला। कहां पर? सेवाग्राम नाम का एक आश्रम है इन सेंट्रल इंडिया। He said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. और तब मैंने ये डिसाइड किया। वो कहते हैं, गांधी कहते हैं कि आई विल टेल यू, मैं तुमको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने ब्रिटिश को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, ब्रिटिश को भारत छोड़ने पर अर्ज किया। अर्ज का मतलब होगा एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और फोर्स समबडी टू डू समथिंग। तो ब्रिटिश को डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब होता है निष्कासन, निष्कासन का मतलब होता है किसी को किसी चीज से निकाल देना। ब्रिटिशर्स को किस तरह से मैंने निकालने की अपनी मनोकामना पूरी करी और अपना डिटर्मिनेशन दिखाया, ब्रिटिशर्स को मजबूर किया। इट वॉज इन 1917, ये 1917 की बात है जब ऐसा हुआ। He had gone to December 1916 annual convention. Annual convention के लिए मैं गया हुआ था। गांधी जी कहते हैं कि मैं 1917 में 16 में annual convention, मतलब एक जो yearly, annual का मतलब होता है yearly, जो साल में एक बार हो, वार्षिक एक सभा होती थी National Congress की, जो से आप Congress party सुनते हैं। एक पार्टी 1885 में establish की गई थी, 1885 में। तो आज लगभग इस पार्टी को बने हुए लगभग 135 साल हो गए। ये वही पार्टी चलती चली आ रही है। 1916 में उसके कन्वेंशन में, सभा में भाग लेने के लिए मैं गया था, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। लखनऊ में 1916 में एक कन्वेंशन हुआ था। कन्वेंशन का मतलब आप असेंबली समझेंगे, जिसे आप कह सकते हैं सभा, असेंबली, मीटिंग, लार्ज मीटिंग कह सकते हैं बेटा। ठीक है, मीटिंग का मतलब भी, तो आप गैदरिंग भी इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गैदरिंग। ये सारे वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, गया। देयर ये कुछ वर्ड है, एग्रीमेंट, कन्वेंशन का मतलब एग्रीमेंट, डेलीगेट का मतलब रिप्रेजेंटेटिव, जिसे प्रतिनिधित्व कहते हैं। एग्रीमेंट का मतलब सहमति पत्र पर लोग जो आए थे वहां पर, उसके लिए मैं भाग लेने गया था। देयर वर 2300 डेलीगेट्स, लगभग 2301 डेलीगेट्स पाए गए, मतलब वहां पर लगभग 2300 डेलीगेट्स आए थे, प्रतिनिधि आए थे, अलग अलग स्थान से आए थे। कुछ विदेशी भी थे और कुछ देश के ही थे, उसमें राजा महाराजा, अलग अलग प्रांत के लोग, डेलीगेट्स उनको कहा गया, प्रतिनिधियों को कहा जाता है डेलीगेट्स, प्रतिनिधि। ठीक, एंड मेनी विजिटर्स, बहुत से विजिटर्स भी थे जो घूमने आते हैं, उन्हें विजिटर्स कहा जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, उस पूरे क्रियाकलाप के दौरान, प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है क्रियाकलाप, उस पूरे प्रोसेस के दौरान जो है, गांधी रिकाउंटेड, अ पीजेंट केम अप टू मी, ये गांधी देखते रहे, एक पीजेंट आया, पीजेंट का मतलब एक कृषक आया, केम टू मी एंड लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, और वो बिल्कुल भी दूसरे भारत के पीजेंट के समान ही दिख रहा था, जैसे भारत के पीजेंट बहुत ही गरीब दिखते थे हालत से। तो गांधी जी ने कहा जैसे दूसरे जो पीजेंट थे भारत में उसी के समान वो भी दिख रहा था। ठीक, हाँ। So, गांधी recounted a peasant came, तो गांधी ने मुझे बताया कि एक peasant came up to me looking like an any other peasant in India, poor and emaciated, एकदम गरीब और सूखा लकड़ा मेरे जैसे। emaciated का मतलब होता है बहुत ही कमजोर हो जाना या पतला दुबला हो जाना। And said, और फिर गांधी ने कहा, गांधी ने नहीं, उस व्यक्ति ने कहा, जो व्यक्ति मेरे पास आया, आई एम राजकुमार शुक्ला, उसने कहा मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं चाहता हूँ आप हमारे डिस्ट्रिक्ट आए, हमारे शहर आए। डिस्ट्रिक्ट का मतलब बेटा यहाँ पर क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट जिले को कहते हैं। गांधी हैड नेवर हर्ड द प्लेस, गांधी ने चंपारण नाम इससे पहले अपने जीवन में कभी नहीं सुना। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ टावरिंग हिमालयाज, ये टावरिंग हिमालय मतलब ऊंचे पर्वत श्रेणियों के पास एक बसा हुआ छोटा सा जिला था। Near the kingdom of Nepal, नेपाल राज्य के पास में, मतलब बिहार और नेपाल के लगभग सीमा मिलती है ना, तो बिहार का एक जिला है चंपारण, आज के प्रेजेंट टाइम में चंपारण बिहार में लगता है। Under an ancient arrangement, बहुत पुराना ancient arrangement था वहां पर, the चंपारण peasant, जो चंपारण के peasant कृषक जो थे, peasant का मतलब कृषक होता है, were share croppers, वो ज्यादातर share croppers थे, मतलब पटाईदार, जो पट्टेदार होते हैं, मतलब ये पहले भारत में ऐसी व्यवस्था थी कि जमींदार खेत को अपने कब्जे में कर लेते थे और उसके ऊपर मजदूरों से खेती करवाते थे, वो मजदूरी शेयर क्रॉपर्स कहलाते थे।
मतलब रेंट पर उनको रखा जाता था, उसका कुछ हिस्सा जो है जमींदारों को दिया जाता था, कुछ हिस्सा उनको दे दिया जाता था। एक नौकर के रूप में पीजेंट की हालत थी। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला उन्हीं में से एक थे। राजकुमार शुक्ला उन्हीं में से एक थे। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। बहुत इलिटरेट तो था वो, इलिटरेट का मतलब अशिक्षित था वो, लेकिन रेजोल्यूट बहुत था। रेजोल्यूट का मतलब होता है फॉर्म डेटा माइंड, मतलब जो दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति हो उसे हम रेजोल्यूटेड व्यक्ति है, रेजोल्यूट व्यक्ति, रेजोल्यूट पर्सन कह सकते हैं। रेजोल्यूट से रेजोल्यूशन बना, जिसे हम कहते हैं फॉर्म डिटर्मिनेशन, या डिटर्मिनेशन से कहेंगे तो भी काम चलेगा। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन। ये पूरा सीरियस है बेटा चैप्टर, इसलिए हमारी टोन भी वैसी आपको लग रही होगी जैसा कि हम जॉली नेचर में फनी वे में पढ़ा जाते हैं। ये चैप्टर उस वे में पढ़ाया नहीं जा सकता है ना। ये इतिहास का एक चैप्टर है, मान लीजिए इतिहास की घटना है, तो इसमें हम क्या नोटंकी करके दिखाएं आपको या फनी आपको करें, है ना। तो सीरियसली अगर आप पढ़ोगे इस चैप्टर को तो समझ में आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन इस चैप्टर से निश्चित रूप से आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन खासतौर से, ये बात ध्यान रखना। He had come to the Congress session, वो Congress session, session का मतलब जो सत्र होता है इसे हम session कहते हैं, to complain about the injustice of the landlord system, वो आया था इस session में ताकि जो है वो landlord जो वहां पर जमींदार लोग होते थे उनकी complaint करने के लिए, किससे, in Bihar, in Bihar में जो landlord लोग थे उनकी कंप्लेंट करने के लिए आया था गांधी के पास। एंड somebody had probably said, और ऐसा शायद किसी ने व्यक्ति ने उससे कहा था कि स्पीक टू गांधी, कि ये कंप्लेंट जो गांधी से करो। आपने सुना होगा गांधी, गांधी, गांधी के ऊपर एक फिल्म भी बनी है, गांधी के ऊपर नहीं, गांधी नाम के ऊपर, सनी देओल की एक फिल्म है। एक एक, एक ट्रेंड चल जाता है गांधीवादी, एक गांधीवादी एक विचारधारा पूरी दुनिया में डेवलप हो चुकी है। तो गांधी इतना बड़ा नाम था, हालांकि गांधी पूरी दुनिया तो नहीं घूमे, गांधी पूरा देश भी नहीं घूमे होंगे, लेकिन पूरी दुनिया जानती उनको जरूर है। वो पूरी दुनिया को जानते ना जानते हो, लेकिन गांधी एक विचारधारा का नाम आता है जो इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है। तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी व्यक्ति ने उस राजकुमार शुक्ला से कहा हो कैसा करो, तुम गांधी से मिलो तो गांधी ही समस्या का समाधान कर सकते। तो गांधी के अंदर इतना पावर था, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स को झुका लेते थे। ही हैज सच अ पावर। ठीक, पीजेंट स्मॉल फार्मर को कहा जाता है। इमिनिशिएटेड मतलब थिन का मतलब पतला दुबला। इमिनिशिएटेड, गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। ये कानपुर लिखा है, जिसे आप कानपुर पढ़िएगा बेटा, आजकल ये कानपुर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी ने शुक्ला से कहा ही हैड एन अपॉइंटमेंट। वो कहता है कि यार मेरी तो अपॉइंटमेंट है कानपुर में, एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उसके अलावा कई और जगह मैंने कमिटमेंट मतलब मैंने वादा कर रखा है कहीं जाने का, कहीं यहां पर सभा है कहीं वहां पर सभा है। आई एम टू बिजी। भाई गांधी भी बिजी आदमी थे, ऐसा थोड़ी घर में बैठे रहते थे और चना चबाया करते थे। गांधी ने ये बात कही शुक्ला जी से कि मुझे और भी भारत के और भागों में भी जाना है, तो शुक्ला कंपनीड हिम एवरीवेयर। शुक्ला ने कहा हम भी चलेंगे, हम ही चल पे जहां जहां जाओ भैया हम ही चलेंगे। लेकिन डिटर्मिनेशन देखिए बेटा कि गांधी ने कहा कि मैं बिजी हूं, मैं अभी फिलहाल महीना दो महीना पंद्रह बीस दिन नहीं जा सकता, तो शुक्ला जी इतने डिटरमाइंड थे अपने हक की लड़ाई के लिए कि उनका ठीक है आप जब तक फ्री नहीं हो जाएंगे तब तक हम आपके साथ रहेंगे। जहां जहां वो गए वहां वहां गांधी गांधी गए, वहां वहां शुक्ला जी भी गए। एंड देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम। फिर गांधी एट लास्ट आश्रम में आए नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम आप सभी जानते हैं। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला जी आश्रम में भी गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, कई हफ्तों तक जो गांधी का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा, वो पकड़े रहे। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, उसने बहुत रिक्वेस्ट करी गांधी जी प्लीज एक डेट बता दीजिए किस दिन आप फ्री होंगे। इंप्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी, टेनेसिटी मतलब उसका डिटर्मिनेशन देखते हुए उससे इंप्रेस हुए, एंड स्टोरी उसकी कहानी को सुनते हुए बड़े इंप्रेस हुए गांधी से। तो गांधी ने कहा I have to be in Calcutta on such and such a date. मैं इस दिनांक पर इस डेट पर, मतलब उन्होंने कोई डेट बताई, मैं इस दिन पर मैं कलकत्ता में होऊंगा। ऐसा करो, Come and meet me and take me from there. तुम वहां पर आओ मुझसे मिलो और फिर मुझे अपने साथ लेवा चलो, ले चलो। Months pass, महीनों पास हो गए। शुक्ला was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta. आप देख लीजिए कितना determination था कि गांधी जी ने ये बात कह दी कि मैं कलकत्ता में इस स्टेट पर रहूंगा तुम्हारा, तो इतनी सी बात याद रही। और गांधी के पहुंचने से पहले शुक्ला जी वहां पर पहुंच गए। और हंच, हंच का मतलब यहाँ पर उड़क चुल्लुम तरीके से बैठना नहीं होता, जैसे आप कुकड़ों को कहते हैं, मतलब मुर्गा बन के बैठना, मतलब उकड़ू बैठना आप लोग कहते हैं ना, ऐसे बैठे रहना, मतलब यहाँ उकड़ू बैठने से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब
ये देखना है कि हाउ मच ही वॉज रेडी टू टेक गांधी टू चंपारण, वो कितना तत्पर था, कितना एक्साइटेड था कि गांधी जी चलेंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। वो एकदम तैयार बैठा था कि गांधी मिले और मैं उनको ले चलूं अपने साथ। एट द पॉइंट अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता, कलकत्ता के उस अपॉइंटेड स्पॉट में जहां गांधी ने बताया था कि मैं आऊंगा, वहां पहले से शुक्ला जी मौजूद थे। वेयर गांधी अराइव्ड, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, उसने जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए तब तक वेट किया। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना, फिर उसके बाद दोनों लोग ट्रेन में चढ़े। बोर्डेड का मतलब होता चढ़ना, ठीक है। द सिटी ऑफ पटना, पटना के लिए ट्रेन में बैठे इन बिहार। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। बिहार पटना पहुंचने पर शुक्ला जी क्या करे, शुक्ला जी ले गए उनको राजेंद्र प्रसाद। और ये आप जानते हैं राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बनाए गए। तो इनके घर बिहार गए थे, इनके घर वो ले गए किनको, गांधी जी को। कौन, शुक्ला जी राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी, जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे एंड ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद उस समय जो है आउट ऑफ टाउन थे, मतलब वहां पर घर पर मौजूद नहीं थे। आगे चलेंगे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला, चूंकि सर्वेंट शुक्ला को जानता था, शुक्ला पहली बार तो गए नहीं थे राजेंद्र प्रसाद के पास, अगर पहली बार जाते तो कैसे उनको घर पता होता है, इसलिए इससे पता चल रहा है कि दैट शुक्ला वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम विजिटिंग राजेंद्र प्रसाद हाउस, बट दे ऑलरेडी मेनी टाइम्स ही हैड ऑलरेडी विजिटेड हिम एज अ पुअर योमैन। वो एक योमैन के तरीके से जाना जाता था उनके सर्वेंट के द्वारा। किनके सर्वेंट के द्वारा, जो राजेंद्र प्रसाद हैं। बहुत बोल लेते हैं भाई हम। चल, तो जो यूमैन, यूमैन का मतलब क्या होता है बेटा, भूमिधर है ना, जमीन जमीन पर काम करने वाला व्यक्ति। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, जो कि जो नौकर थे सर्वेंट थे, वो जानते थे कि यार ये जब देखो तब आ जाता है परेशान करने के लिए राजेंद्र प्रसाद जी को, मतलब हमारे मालिक को परेशान करने के लिए। पेस्टर्ड का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है, मिनमिनाना किसी के सामने। पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स, बार बार आ जाता है मदद मांगने के लिए, शेयर क्रॉपर्स की मदद के लिए वो बार बार राजेंद्र प्रसाद के पास जाते हैं, लेकिन उनसे कोई मदद नहीं मिली। सो दे लेट हिम स्टे, तो नौकरों ने कहा hey, शुक्ला बाहर बैठ, शुक्ला जी से कहा बाहर बैठो। ये शुक्ला जी वो शुक्ला जी नहीं है जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं, ध्यान रखना बेटा। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन, उसने कहा ऐसा करो बाहर बैठो। और ये कौन है, पतला दुबला आदमी, गांधी जी को उन नौकरों ने कहा एक बार अपने पास बैठा लो। पता नहीं था कि ये गांधी है, यही गांधी है, ओ यही गांधी, उनको नहीं पता था। उसने कहा इसको भी अपने पास बैठा लो, बाहर जमीन में बैठा दिया। ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी होम दे टुक टू बी अनदर प्रिजन, भाई गांधी भी प्रिजन ही दिखाई दे रहे थे, बहुत दिखावा उनके अंदर था नहीं। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वॉटर, गांधी को प्यास लगी तो गांधी गए पानी पीने के लिए, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली। आपने सुना होगा भारत में एक बहुत पुरानी परंपरा है जो कि दो, मतलब उसके बारे में कुछ क्या कहा जाए, एससी एसटी कैटेगरी, जिसको लोग पता नहीं क्या समझते हैं, अछूत मानते हैं। मतलब इंसान देखिए जरा, इंसान कितना गिरा हुआ है, किसी एक व्यक्ति को अछूत मानना सबसे बड़ा पाप। मतलब भारत में ये कितने चरम सीमा पर ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक है ना, क्या कहें इसको। तो गांधी को अलाउ नहीं किया, कहीं राजेंद्र प्रसाद पंडित थे, प्रसाद थे भाई, आप जानते हैं ब्राह्मण, प्रसाद प्रसाद जो लगाते हैं ब्राह्मण, शुक्ला मिश्रा इस तरह के लोग ब्राह्मण होते हैं। तो उनके नौकरों ने सोचा कि ये अछूत है, इनके छूने से छुआछूत मतलब उसकी बीमारी हो जाएगी और अछूत हो जाएगा पूरा कुआं। तो उनको परमिशन नहीं दी गई टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट, कहीं उसके उससे टपकता हुआ कोई पानी जो है पॉल्यूट ना कर दे पूरे एंटायर सोर्स को, मतलब पूरे कुएं को। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, उनको कैसे पता चलता कि वो अनटचेबल नहीं है। अब ये वर्ड ही मेरे हिसाब से किताबों में नहीं आना चाहिए, यही सबसे बड़ी डिवीजन का सोर्स है भारत के अंदर। अनटचेबल क्या होता है, जो मतलब एससी कैटेगरी के लोग होते हैं क्या उनके चार मुंह होते हैं, या उनका आधा मुंह होता है, उनके नाक नहीं होती क्या, या वो मुंह से नहीं नाक से खाते हैं। दिस इज अ नॉनसेंस कॉन्सेप्ट कि अनटचेबल, ये क्या है, अनटचेबल का क्या मतलब, अछूत। अरे कोनो बीमार है तो वो इन्फेक्शुअस हो सकता है, कोई बीमार, वो तो कोई ब्राह्मण भी हो सकता है, कोई खान भी हो सकता है, और कोई नीची जात का, नीची जात ऊंची जात क्या होती है, सबसे जाहिलों वाली एक कॉन्सेप्ट है भारत के अंदर। और ये पढ़े लिखे और जो ऊंचे कुल के लोग होते हैं वो ज्यादा करते हैं, इंसान को इंसान समझे तो ज्यादा अच्छा है, है? तो ये डिवीजन
इस वर्ड की वजह से हमको बहुत नफरत है अनटचेबल। व्हाट डू यू मीन बाय अनटचेबल? मतलब उसको छू नहीं जा सकता, मतलब वो इंसान नहीं है। बड़े लोग कुत्तों को तो छू सकते हैं लेकिन इंसानों को नहीं छू सकते। हाँ, ये हमने देखा है, कुत्तों को तो छू सकते हैं जो कुत्ता है, जानवर है, लेकिन इंसान से उन्हें बड़ी दिक्कत थी भारत में तब भी और आज भी। ऐसे बहुत से गांव और ऐसे बहुत सी जगह आपको देखने को मिल जाएगा, यह है कहानी। तो अनटचेबल ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। दैट ही वॉज नॉट, वो कैसे जानते कि गांधी अनटचेबल नहीं है? गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, पहले उन्होंने सोचा मुजफ्फरपुर चलते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर जो मुजफ्फरपुर है वो चंपारण से पहले पड़ता रास्ते में, विच वॉज एन रूट। एन रूट का मतलब होता है कोई चीज रास्ते में पड़ना, जो दो स्थानों के बीच में जो चीज होती है उसे एन रूट कहते हैं। तो चंपारण, चंपारण के रास्ते पे मुजफ्फरपुर पड़ता था, तो वहां पहले रुके टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ताकि पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदर कर ले अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। जितना भी शुक्ला जी उन्होंने बता चुके, इम्पार्ट किया उन्होंने अपने पास से इंफॉर्मेशन, पास करने को इम्पार्ट कहते हैं बेटा, अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे को पास करने को इम्पार्ट कहते हैं। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani. उसके बाद उन्होंने J.B. Kriplani नाम के एक प्रोफेसर को, Kriplani बहुत बड़ा फेमस नेम है। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani. उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा किसको? प्रोफेसर J.B. Kriplani को, जो कि आर्ट्स कॉलेज में एक शिक्षक थे इन मुजफ्फरपुर, whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल, जिनको गांधी जी ने कहां पर पहले देखा था? शांति निकेतन स्कूल, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का था, उन्हीं के नाम पर है, उन्हीं का था। वहां पर J.B. Kriplani को महात्मा गांधी ने फर्स्ट टाइम देखा। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, ट्रेन पहुंचती है मुजफ्फरपुर के उस जगह पर जहां पर J.B. Kriplani उनको लेने आए। 15 अप्रैल 1917 की ये बात है कि Kriplani वॉज वेटिंग एट द स्टेशन। Kriplani जो है वेट कर रहे थे स्टेशन पे विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, बहुत तमाम से हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स आए, स्वागत किया। गांधी स्टेड देयर फॉर टू डेज इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। गांधी Kriplani के घर में ना रुक करके प्रोफेसर एक मलकानी थे उनके घर में रुके दो दिन तक, एज टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, वो एक स्कूल में टीचर थे, ठीक। अब इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गांधी जी बताते हैं फिशर लुइस को, लुइस को बताते हैं कि क्या हो रहा है, मेरे बाल बड़े हमको परेशान करते हैं यार। तो उसने नेटवर्क बताया, लुइस फिशर को जो है गांधी जी ने बताया कि इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग इन दोज डेज, उन दिनों ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात थी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अद्भुत बात थी कि गांधी कमेंटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर, एक सरकारी प्रोफेसर या सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति, टू हार्बर अ मैन लाइक मी, मेरे जैसे इंसान को शरण दे। हार्बर का मतलब यहाँ पर शरण देना है बेटा, हार्बर मेरे जैसे इंसान को अपने घर में रोके, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज, जो कि छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर थे भारत में उस समय, द इंडियंस वर एफर्ट टू शो सिंपथी, भारत के ही लोग डरा करते थे भारत के लोगों को सिंपथी सिंपथाइज करने में, मतलब कोई एक भारतीय कोई दूसरे भारतीय के प्रति सहानुभूति नहीं दिखा सकता, इतना डर था भारत के लोगों में। फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, होम रूल मतलब होम रूल होने के बावजूद गांव का होम रूल ही तो होगा, वहां पर थोड़ी ब्रिटिश शासन आ रहा, लेकिन फिर भी ब्रिटिश शासन का इतना अत्याचार झेल चुके थे लोग, सुनते थे और जबकि देखते नहीं थे, सिर्फ सुनते थे कि आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, लेकिन फिर भी वो बहुत ही डरे कुचले लोग हो गए थे ब्रिटिश शासन की वजह से, ठीक। आगे चलेंगे। न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट, गांधी के आने की जो खबर थी, एडवेंट का मतलब यहां आना है एडवेंट, एंड ऑफ द नेचर ऑफ द मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर, एडवेंट ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनकी जो मिशन था यहां पर आने का, ये न्यूज पूरे चंपारण में और मुजफ्फरपुर में एकदम आंधी की तरह फैल गई, एकदम आग की तरह फैल गई। शेयरक्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फूट, लोग दूर दूर से गांव गांव से आने लगे, कन्वेयंस टू सी देयर चैंपियन, अपने चैंपियन को देखने के लिए। देयर चैंपियन, हु इज देयर चैंपियन? महात्मा गांधी वॉज देयर चैंपियन, अपने चैंपियन को दूर दूर से देखने के लिए आने लगे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर के जितने भी लॉयर्स थे उन्होंने उनको बुलाया गया ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, गांधी को, ताकि वो ब्रीफ करें। ब्रीफ का मतलब उनको संक्षिप्त में सारा मामला बताएं जिस मैटर के लिए गांधी वहां पर आए। ये सारी देखिए, बापू आ गए बेटा, ये बापू है ना डंडा लेकर के।
They frequently represented peasant groups in court. They कौन है? The lawyers of the peasant. Frequently आते जाते रहते थे और represent करते थे किनको? Peasant को वो प्रतिनिधित्व करते थे, वो lawyer जिनको बुलाया था. Groups in court. They told him about their cases. उन्होंने अपने केस, अपने मुद्दे के बारे में, अपने मुकदमे के बारे में बताया. And reported the size of their fee. और अपनी fees के बारे में भी बताया कि हम लोग इनसे इतनी fee लेते हैं. अब गांधी को भैया आ गया गुस्सा. देखो बेटा क्या किया गांधी, चाइडेड द लॉयर्स, फटकार दिया तबड़ा के एकदम. जस्ट अ मिनट. तो गांधी जी ने उनको फटकार दिया, लताड़ दिया एकदम. गांधी चाइडेड, चाइडेड का मतलब होता है बेटा लताड़ना या फटकारना, जैसे हम स्कोल्ड भी कह सकते हैं. ठीक है, स्कोल्ड, रिब्यूक भी कह सकते हैं इसे हम, रिब्यूक. ठीक, ये तीन वर्ड हो गए, याद कर लेना. द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स. किस बात के लिए फटकारा? कि जो शेयर क्रॉपर्स है वो लॉयर्स जो है एक हैवी अमाउंट ले रहे थे. क्या ले रहे थे? एक हैवी अमाउंट जो है ले रहे थे. ही सेड, उसने कहा, गांधी ने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स. मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि लोगों को कोर्ट जाना बंद कर देना चाहिए, ना ही आप लोग जाएं ना लोग जाएं, क्योंकि कोर्ट जाने से मामला जो है सुधरेगा नहीं, मामला जो है सही नहीं हो रहा है. ठीक है, मामला बिल्कुल सही नहीं हो रहा है. टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड. इस तरह के केसेस को कोर्ट ले जाने का मतलब है इट इज ऑफ नो यूज, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, टाइम वेस्टिंग है, पैसे की वेस्टिंग है कुल मिलाकर के. व्हेन वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड, जहां पर पीजेंट्स कृषक या किसान इतने ज्यादा दबे कुचले हों, क्रश्ड हों, इतने ज्यादा दबाए गए हों, लताड़े गए हों, लाचार कंडीशन में हों, एंड फियर स्ट्राइकन और डर से भयभीत हों, मतलब भय से भयभीत हों, भय भरा हो जिसके मन में, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस. वहां पर ये जो कानून वाले जो दरबार बनाए गए ना, कोर्ट्स बनाए गए, ये सब बेकार है. द रियल रिलीफ फॉर देम, इनके लिए राहत की बात या जो वास्तविक राहत होगा वो क्या होगा? इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर. इनको पहले डर से मुक्त करो, इनको पहले डर से मुक्त करो. और बात सच है, हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि हमारे अंदर कोई डर है, शक्तिशाली और डर ये दो अपोजिट चीजें हैं. शक्तिशाली आपके शरीर से हो सकते हैं, लेकिन आपको एक छिपकली से भी डर लग सकता है. शक्तिशाली होने का ये मतलब नहीं कि आप किसी सांप से डरेंगे नहीं. तो शक्तिशाली होना एक अलग चीज है, लेकिन डरना, उस डर का जब तक आपके अंदर निवास रहेगा आप कुछ नहीं कर सकते. जैसे कि आप सभी के अंदर एक निवास है डर, इंग्लिश का डर. तो इस डर को जिस दिन आप बाहर फेंक देंगे उसी दिन आप बोलने भी लगेंगे और आप सोचेंगे अरे ये तो दो कौड़ी की लैंग्वेज, हिंदी के आगे कुछ नहीं है. हिंदी अपने आप में एक शौर्य ऊर्जा शक्तिशाली भाषा है. संस्कृत दुनिया की सबसे टफ भाषा मानी जाती है मेरे ख्याल से. और साथ ही साथ इंग्लिश को आप इतने कॉमन वे में देखेंगे हर दुनिया में. जो जो चीज रेयर हो वो बेहतर है, जो चीज हर जगह हो वो बेहतर. आप बताइए, जो चीज हर जगह पाई जाए, जैसे कोई चीज हर जगह पाई जाती है उसके रेट कम होंगे. आप जरा सोचिए हिंदी और इंग्लिश में क्या फर्क है. आप सोचते हैं ना कि अब हम इंग्लिश कैसे बोले, इंग्लिश दो कौड़ी की लैंग्वेज है. मतलब ये इंग्लिश एक जरूरत की चीज है बेटा. अगर चाहो तो 10 दिन के अंदर आप कमांड कर सकते हो, लेकिन डर आपके अंदर ऑलरेडी बना हुआ. जैसे ब्रिटिशर्स का डर भारतीयों में था, वैसे भारत के लोगों में इंग्लिश का डर है, भाषा का. जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं उनको आप सोचे कि हिंदी पूरी दुनिया में नहीं बोली जाती, हिंदी सीख लो इतनी आसान है. तो अंग्रेज लोग बोल के दिखाए, हम जरूर अंग्रेज की तरह बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेज हिंदी बोल के दिखा दे नहीं बोल सकते, संस्कृत बोल के दिखा दे बोले नहीं सकते. इंग्लिश दुनिया में 150 से ज्यादा कंट्री बोलते हैं, लगभग 150 से ज्यादा कंट्री के लोग इंग्लिश बोलते हैं, प्रॉपर बोल लेते हैं, प्रॉपर नहीं बोलते, हल्का फुल्का बोल लेते हैं, लेकिन बोलते हैं. हिंदी कितने देश बोल पाते हैं? तो हिंदी बेहतर हुई या इंग्लिश? हिंदी ही बेहतर हुई या संस्कृत ही बेहतर हुई, क्योंकि ये रेयर है. रेयर मतलब दुर्लभ है ये, और जो दुर्लभ चीजें होती हैं उनकी कीमत ज्यादा होती है. सोने की कीमत तांबे की कीमत से कंपेयर करी जाएगी? नहीं. उसके बाद डायमंड की कीमत सोने की कीमत से कंपेयर किया जाएगा? नहीं. जितनी चीजें दुर्लभ होती जाएंगी उनकी कीमत ऊंची होती जाएगी. तांबा पीतल तो हर जगह मिल जाता. Like was English. So it is a fear that lies in your or in your heart. आपके अंदर, आपके दिल में एक डर बैठा है. तो गांधी का भी यही मानना था, पहले तो डर को निकालो, इनके डर को निकालोगे. Most of the
अरबल लैंड, अरबल लैंड का मतलब जो भी खेती करने योग्य भूमि होती है उसे अरबल लैंड कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द अरबल लैंड इन द चंपारण, चंपारण में जो अरबल लैंड थी डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट, वो जायदादों में, जायदाद आप सुनते हो जायदाद, ये तुम्हारे बाप की जायदाद है कहीं, जैसे कह देते हैं जायदाद जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसे एस्टेट कहते हैं। एस्टेट बिजनेस है, रियल एस्टेट आपने सुना होगा एक बहुत बड़ा बिजनेस है लोगों का, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं लोग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। तो वो जो जितनी भी जमीनें थी वो लार्ज एस्टेट में बड़ी बड़ी जायदादों में डिवाइडेड थी, ओन्ड बाई इंग्लिश मैन, जो इंग्लिश मैन के कब्जों में थी, ओन्ड थी, ओन्ड का मतलब कोई चीज कोई अपने कब्जे में ले ले उसे हम ओन्ड कहते हैं। वर्कड बाई इंडियन टीनेंस, और उसके ऊपर भारत के मजदूर के तरीके से कृषक काम करते थे, मतलब कृषक थे वो लेकिन एक मजदूर के थे। टीनेंस का मतलब किराए पर जो लोग काम करते हैं उन्हें टीनेंस कहा जाता है, या टीनेंस आप किराएदार को भी कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, क्लियर? चलो, द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, उनमें सबसे चीफ जो व्यापारिक क्रॉप थी, फसल थी, वो थी इंडिगो। इंडिगो का क्या मतलब है बेटा? नील, जो जिसके ऊपर ये चैप्टर बेस है, नील की एक कहानी बताई जाए। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टीनेंट्स, जो लैंडलॉर्ड होते थे मतलब जो जमींदार होते थे वो जितने भी टीनेंट्स होते थे उनको मजबूर करते थे टीनेंट्स टू प्लांट 320th और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, कहते थे कि 15% आप प्लांटेशन करिए इस पर जबरदस्ती, टू प्लांट 320th और 15% पूरे जमीन का 15% भाग पर आप इस पर इंडिगो होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और सारे जो भी खेती हो जो भी निकले नील वो सब उसको रेंट पर दे दिया जाए, कुल मिलाकर के उनका क्या बोलते तिरस्कार, और एक है उनको मतलब लताड़ा जा रहा था कुल मिला के कृषकों को, उनसे कहा गया आप जबरदस्ती खेती करिए और जो उगाइएगा वो हमको वापस कर दीजिए रेंट के तौर पर के। विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो, पूरी इंडिगो जितनी भी फसल उगेगी हार्वेस्ट एज रेंट, दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये एक लंबे कॉन्ट्रैक्ट, एक लंबे समझौते के तहत कई सालों से चलता चला आ रहा था। इसी से त्रस्त होकर के राजकुमार शुक्ला ने गांधी को वहां बुलाया। प्रेजेंटली, अभी प्रेजेंट टाइम में द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट, उस समय लैंडलॉर्ड्स को ये पता चल गया कि जर्मनी एक देश है और वहां पर हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, वहां पर सिंथेटिक इंडिगो बनाई जाने लगी। सिंथेटिक का मतलब केमिकल्स, केमिकल के माध्यम से नील बनाई जाने लगी। आजकल जो नील आती है उसमें केमिकल होते हैं, वो ओरिजिनल नहीं होती, बस शर्ट में नील डालते हैं ना, नील का मतलब समझ रहे, नील। दे देयर अपॉन ओब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, और उसके बाद उन्होंने शेयर क्रॉपर से एग्रीमेंट लिया टू पे देम कॉम्पेंसेशन फॉर बींग टू रिलीज। वो कहते हैं कि अगर आपको इस एग्रीमेंट से जो हमने पहले कर रखा था, जब उन्हें ये पता चला कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो आ गई, तो उन्होंने कहा ऐसा करो इनसे बेकार है एग्रीमेंट करना, यहाँ के मजदूरों से इनको फ्री कर दो, फ्री कर दो, इसके बदले में इनसे पैसा लो कि भाई मेरे जमीन है, लैंडलॉर्ड्स की जमीन, जमीन तो कृषकों को थी, वो जबरदस्ती कब्जे में कर लेते थे और किराए के तौर पर उनसे काम करवाते थे। तो उन्होंने कहा अगर आपको इस एग्रीमेंट से, इस पैक्ट से, इस पैक्ट से, एग्रीमेंट का एक वर्ड और है पैक्ट, CPACT, पूना पैक्ट, आपने कभी इतिहास में सुना हो तो पैक्ट वर्ड का मतलब एग्रीमेंट होता है किसी के साथ समझौता। तो वो डराते धमकाते शेयर क्रॉपर्स को टू पे देम कॉम्पेंसेशन, वो कहते हैं इसके बदले मुझे फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 50% जो अरेंजमेंट किया गया है, मुझे इसका खामियाजा भुगतिए, आप इसका जो है वो दीजिए, मतलब कॉम्पेंसेशन दीजिए, ठीक, कॉम्पेंसेशन। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज अर्कसम टू द पीजन, ये बहुत ही दर्दनाक था, अर्कसम का बहुत ही, अर्कसम का मतलब वैसे चिड़चिड़ापन भी होता है, अर्कसम का मतलब बहुत ही दर्दनाक भी होता है। ये शेयर क्रॉपिंग जो अरेंजमेंट था चंपारण में, ये बहुत ही दुखदायी था वहां के पीजेंट्स के लिए, एंड मेनी साइंड विलिंगली, कुछ लोगों ने तो इच्छा से साइन कर दिया, दोज हु रेसिस्टेड, जिन्होंने रेसिस्ट किया, ओपोज किया उनके इस एग्रीमेंट का, इंगेज्ड लॉयर्स, उन्होंने लॉयर्स को इंगेज किया और लॉयर्स से कहा आप मेरा केस लड़िए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स, लैंडलॉर्ड्स ने ठगों को हायर कर लिया। मीनवाइल, इसी बीच द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स, एक इलिटरेट पीजेंट्स के पास भी, मतलब कुछ पीजेंट्स को भी पता चला कि सिंथेटिक इंडिगो भी बनाई जाने लगी है दुनिया में, जर्मनी देश में, उसको ये बात जानकारी हुई। हु हैड
signed and they wanted their money back. तो इस वजह से फिर वो tenants जितने भी थे वो जबरदस्ती landlord से कहने लगे हमारा पैसा हमको वापस कर दीजिए. अब वो अपना पैसा मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें compensation दो, भी हमारी जमीन है, वो कहते हैं हमारी जमीन है. तो इस तरह से मामला जो है बिगड़ता चला गया है. At this point, Gandhi arrived in Champaran. तभी गांधी चंपारण आते हैं and he began by trying to get the facts. और फिर जो है by trying to get the facts, फिर वो जितने भी information, जितने भी facts थे उस मुद्दे के बारे में जानने लायक जो चीजें थी उनको पढ़ते हैं, study करते हैं. First he visited the secretary of the British Landlords Association. सबसे पहले वो British Landlords Association के head से मिलते हैं, secretary से, सचिव से मिलते हैं. The secretary told him, जो सेक्रेटरी है उनको कहता है दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर. वो बोलते हैं मैं किसी भी आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि गांधी वॉज एन आउटसाइडर फॉर बिहार, फॉर चंपारण. चंपारण के लिए और बिहार के लिए गांधी एक नया चेहरा था. उस टाइम पर गांधी वहां फर्स्ट टाइम गए थे, उससे पहले लोग उस बात को जानते नहीं थे. तो ही वॉज कंसिडर्ड एज एन आउटसाइडर, ठीक है, उनको एक आउटसाइडर के रूप में जाना जाने लगा, समझे. गांधी answered that he was no outsider. गांधी कहते हैं नहीं मैं outsider नहीं हूं, because गांधी considered the whole country as his home. वो अपने country को पूरा एक घर मानते थे. And it should be done by each and every one of us. हम में से सबको ऐसा मानना चाहिए, but कभी कभी हम अपने आप में, हम इलाहाबादी, हम लखनवी, हम कनपुरिया, उसके बाद फिर हम यूपी वाले, हम बिहार वाले, हम राजस्थानी, हम बंगाली, उसके बाद तो देश कहां रहा. सब तो आपस में बटे, हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम ई, हम ऊ, तो ये सब चीजें देश को बांटते. और वही गांधी ने एक काम किया एकत्र करने का, फॉर कलेक्टिंग पीपल. लोगों को कलेक्ट करने के लिए स्टेमिना चाहिए, सच है. और गांधी ने वो काम किया. उसके अलावा भी बहुत से लोग लगे होंगे, बट गांधी लीडर थे तो ऑफकोर्स लीडर का ही नाम आएगा. तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है. इसके आगे नो आउटसाइडर के बाद फिर गांधी ने किस तरह से बहस करी उस सेक्रेटरी से, क्या किया, ये नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपको मिल जाएगा. आज की इस वीडियो में 2-3 मिनट शुरुआत के आप जरूर काट करके देखिएगा एक्सप्लेनेशन. और हम लोगों ने लगभग 12-13 पैराग्राफ चैप्टर के फिनिश किए हैं और अब इसमें 50 पैराग्राफ है, जो लगभग 3 वीडियो सेशन अभी और आएंगे उसमें फिनिश हो पाएंगे. तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन. स्टे कनेक्टेड टू अस. Let's wait for the next video lecture. Stay home, be safe. Thank you so much.